नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना। दर्शक बंधु गतकाली प्रधानमंत्री को बड़ घोषणा मे 1 तारीख परे 18 वर्षरु ऊर्ध्व वयस्क समस्त को टीका मिलिबो जहा को नै कि आश्वस्त होइछन्ति लोक। गोटे पटे जदि देखिबा वैक्सीनेशन परे मध्य कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति संक्रमित चिन्हट होइछन्ति डॉक्टर माने मध्य एने स्पष्ट करिछन्ति। किंतु वैक्सीनेशन नबा द्वारा आश्वस्तिर कथा या जे डेथ रेट कमुछि बा आपन जेते मात्रा रे भयावहता आपण शरीर प्रति रोला संक्रमित जिते मात्रा रे आपण को सांघातिक स्टेज आड़क नहीं जाऊला ताबना आपण भितरे रोग प्रतिरोधक शक्ति सहित यह लड़ापी निश्चित भाव सहायक हे तेणुक वैक्सीनेशन को अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी। एक क्षेत्र में प्रथम 60 वर्ष ऊर्ध तापर 45 वर्ष लोक वैक्सीनेशन दि जाएगी। आशा थिला एवं अपेक्षा थिला जे केते बेले अन्य मानुको टीका दिया जिवो तबे मे 1 तारिख पर 18 वयसरु ऊर्ध्व वयस्क व्यक्ति को टीका दिया जिवो जहाँ को नेकी आश्वस्त होइछंती समस्ते बाबदरे अधिक सूचना पाई आलोक म पूरी रिपोर्टर जोड़ी होइछंती। आलोक कौन सूचना रोची लोक मानको भितरे ए तथ्य आसिला पर केते मात्रा रे खुशी बा आश्वस्त देखुछंती। कोरोनार द्वितीय लहर जो भाई भाव में दिनक दिन काय विस्तार करुच्ची और जो भाई भाव में दिनक दिन पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाँच से ही परिप्रेक्षी में केन्द्र सरकार जो बड़ घोषणा कर मे 1 तारीख में 18 वर्ष ऊर्ध समस्त वयस्क व्यक्ति हूँ युवपीढ़ी हूँ समस्त को वैक्सीनेशन कर प्रथम आप जानते हैं 60 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति और 45 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराइला। विशेषकर आम जब स्मृति लग्न पूरी कथ कह पूरी आप जानते तीन अंक बर्तन कोरोना पॉजिटिव संख्या छुईला तो समस्त आशा आशंकर थे के वैक्सीनेशन कर निश्चित भाव में सबू आशा आशंका उपर केन्द्र सरकार पूर्णच्छेद पकईंट आम आलोचना करें आम सहित किसी युवपीढ़ी स्मृति लग्न अच्छा प्रतिक्रिया ना आपण मन सब बड़ खुशी खबर 18 वर्ष रु अधिक पिला मन पई वैक्सीनेशन करा जीवो मे 1 तारीख रे केते खुशी आपण कथा सुनिके एवं टीका रे केते आवश्यक थिला। कोरोना रा द्वितीय लहर चली छि जहां वर्तमान बहुत क्षतिकारक आम देखु प्रतिदिन 1000 2000 3000 पाखापाखी लोक बाहर तो टीका निहाती आवश्यक थिला। 60 वर्ष ऊर्ध लोक नहीं सारी 45 वर्ष ऊर्ध लोक नहीं सारी आम बर्तमान कन्फ्यूज थू 18 वर्ष ऊर्ध के आसो आम निजे सिक्योर फिल करूँ आम फैमिली मेम्बर सहित मिसुचु बाहर बुलूचु सो टीका निहाती आवश्यक थिला। स्मृति लग्न आहरी प्रतिक्रिया ना के आवश्यक थी आप टीका जेहतु बर्तमान केन्द्र सरकार बर्तमान आम कहीपर कि केन्द्र सरकार को पदक्षेप के स्वागत योग्य जेहतु आप सिक्योर पर टीकार आवश्यक रहा यही भयंकर समय यही भयंकर समय सरकार 18 वर्ष ऊर्ध टीका देवा व्यवस्था को आम स्वागत करुच्छू से ही सरकार केवल निष्पत्ति नहीं गल हेनी सफिसीयंट परिमाणर टीका जोगाई दे कि लोक मान भयंकर परिस्थितर उधार कर स्मृति लग्न सब बड़ कथ हो सरकार केवल टीका जोगाई दे हम सरकार समस्त वैक्सीनेसन कर आवश्यक आहरी प्रतिज्ञा ना कि देखुंत टीकाकरण व्यवस्था को आप अपिल करेंगे कि समस्त युवपीढ़ी हूँ 18 वर्ष जितक लोक हूँ समस्त टीका ना आवश्यक कहना आपण सेफ्टी आप फैमिली सेफ्टी आपने टीका ना निहाती आवश्यक था जहाँ केन्द्र सरकार पूर्णच्छेद पकईंटे के स्वागत योग्य पदक्षेप अपिल कौन करेंगे मुझ अपिल करा चाहूँ कि केन्द्र सरकार को कारण महजूद परिमाण टीका जी आम सारा देश में जोगाई दीजिए लोक मैंने सुरक्षित जावास जो कम्युनिकेशन टा अच्छे से भल जो कोविड द्वितीय पर्याय आसे से बहुत सांघातिक अच्छी भयंकर अच्छी कोविड समय सरकार को चाहूँ जो मे 1 रु 18 वर्ष पिला टीकाकरण जोगाई से बहुत आम स्वागत जनाऊु और बहुत बहुत धन्यवाद जो निहत भाव आहुरी प्रतिक्रिया ना कम देखुं बर्तमान आप अपिल करेंगे कि समस्त टीका नियंतु आप टीका नाक अपिल कर समस्त को आज्ञा आम चाहूँ आम समस्त टीका ना आवश्यक कारण ये जो करोना जो भयंकर रूपट आती कौन आम चाहूँ आम क्या सेफ्टी हो पारा एवं देखुचे जो कौन ना करोना ये जो टीकाकरण व्यवस्था कराऊँ कि समस्त सफिसीयंट टीका पाई ना जो टीका केन्द्र मानक कौन देखा ना जन असंतोष देखा तेनाली सरकार कौन करते ना बड़ निष्पत्ति नुत जो भाई भाव में प्रतिदिन कौन करेंगे लोक मैंने समस्त कौन टीका पाई अपिल करेंगे समस्त टीका निली आज्ञा सर आम अपिल कर समस्त क्या टीका नि 18 वर्ष कारण सरकार आगुरी 60 वर्ष ऊर्ध लोक दौले बर्तमान मझे 45 वर्ष ऊर्ध लोक दौले आम चाहूँ एवं जो आम सरकार जो 18 वर्ष ऊर्ध नागरिक मान टीकाकरण व्यवस्था करते आम से लोक मैंने खुशी निजर व्यक्त कर टीका आसी खुशी कथा अपर पक्ष प्रश्न उठाऊ पर्याप्त परिमाण टीका अच्छी तो लोकों पाखे वास्तविक भाव में पहुंची पार तो संबलपुर कि देखुं लोकों प्रतिक्रिया को कथा सामना को आसवा
लगना देखो जिते बेले गत काली प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार घोषणा कले मे एक रु 18 वर्ष ऊर्ध लोक टीका दीजिए ये वर्तमान समय जिते बेले खबर आस मन खुशी लहर आसी आम संबलपुर गोटे पर छूँ जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध अच्छा युवक युवती प्रतिक्रिया रखा से ये निष्पत्ति को कमी देखती हम देखते अभी कि कल मोदी जी ने कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 1 मई से 18 साल के ऊर्ध लोगों को टीका देंगे ये डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? अब जैसे कि कॉलेज वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे तो काफ़ी लोगों को हो चुका था ऑलरेडी कोरोना, तो ये हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि इन्होंने हमारे लिए वैक्सीन एटलीस्ट निकाल दिया कि अब हम अभी फिलहाल तो 1 मई तक लॉकडाउन है, हो सकता है उसके वैक्सीन लगने के बाद हालत हम कुछ ठीक हो सकते हैं और फिर हमारे कॉलेज वगैरह सब खुल सकते हैं। पहले 60 वर्ष उसके बाद 45 अभी 18 वर्ष से ज़्यादा लोगों को टीका दिया जाएगा ये डिसीजन का आप कैसे देखते हैं? आप भी जो आपको तो 18 साल से ज़्यादा होगा तो क्या है रिस्क ओल्ड एज में लोगों को रिस्क ज़्यादा रहता है, बीमारी भी ज़्यादा रहता है और अभी जो पहले लास्ट ईयर जब कोरोना हो रहा था तब यंग लोगों को ज़्यादा कोरोना का रिस्क था नहीं, कम था। तो अभी जब कोरोना अभी जब सेकेंड वेव हो रहा है जो बच्चों को भी हो रहा है और यंग एज को भी हो रहा है, यंग एज में मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। तो अभी जो हम एक्सपैंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और हमारा जो सप्लाई है प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है उसके साथ और पॉपुलेशन को ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि यंग पॉपुलेशन तो बाहर भी रहता है, ज़्यादा काम करने के लिए भी निकलता है और उनको भी वैक्सीन लगेगा तो फिर ओवरऑल सब स्प्रेड भी कम रहेगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। और वैक्सीन सबको लगाना चाहिए, लोग सोचते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन अभी लगेगा, यंग लोग लगाएंगे तो यंग लोग तो घर में डिसीजन लेते हैं आजकल, तो यंग लोग वैक्सीन लगाएंगे तो साथ में अपने बड़े लोगों को भी लेकर जाएंगे और वो लोग भी वैक्सीन लगाएंगे, है ना। यंग लोग अपने घर में बड़े लोग बोलते हैं अरे हम अकेले कैसे जाएंगे, अब यंग लोग को भी लग रहा होगा तो यंग लोग अपने साथ बड़े लोगों को भी लेकर जाएंगे, पूरा फैमिली एक साथ जाके लगा कर आएगा। इससे क्या होगा 70-80% पॉपुलेशन हमारा अगर वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो फिर हमको पता है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, हाँ पूरा सेफ्टी हो जाएगा। फिर प्रतिनिधि चिन्मय साहू जोड़ी होती चिन्मय वैक्सीनेशन रो कथा सामना को आसीबा परे लोक माने आश्वस्त होइथिले किंतु परवर्ती मुहूर्त रे देखिबा को मिलछि अनेक वैक्सीन नेबा परे मध्य संक्रमित होउछंती बा पॉजिटिव चिन्हट होउछंती, एहा लोकों को भितरे किभली प्रतिक्रिया सामना को आनुछि ताकु ने कि आलोचना करंतु। भावे स्मृति लग्न जदि आम कह करोनार द्वितीय लहर चली एमध्य करोना संक्रमित संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी आगुरु जहाँ वैक्सीनेशन चली से 45 वर्ष ऊर्ध व 60 वर्ष जो मैंने तलकु बयस रही वैक्सीनेशन दि जाऊला आउ काली जो प्रधानमंत्री गोटे बड़ घोषणा कर 18 वर्ष ऊपरको जो मैंने अच्छा से वैक्सीनेशन दिज्व यहाँ गोटे बहुत बड़ खुशी कथा जो मैंने कि आम जब कहे कि युवपीढ़ी मैंने जो वैक्सीनेशन ने तो आम गोटे कहीपर कि गोटे प्रकार करोना को आम टे कम करोनार प्रभाव जहाँ काया विस्तार कर दिन आस्ते आस्ते कम से आम सहित जो अच्छा जो वयस्क व्यक्ति आम सहित सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना से टीका को लेकिन कौन तर मतामत रही सर कौन कहे आप टीका ने कल जो प्रधानमंत्री घोषणा करमती देखु भल रूप में देखी कहीं निहाति दरकार वर्तमान जो रूप नहीं आमको समस्त को टीका नेबार कथा 18 वर्ष रु जो कल आनाउंस होटा गुड गुड फर एव्री वन टीका ने मुझे जेहेतु मुझे सुगर पेसेंट तो टे विक अच्छी तेणु मुझे कोविड गाइडलाइन प्रॉपर्ली मानुछु टीकाकरण कथा कह निश्चित भाव गोटे बड़ चैलेंज राज्य सरकार प्रत्येक राज्य सरकार भूमिका गुरुत्वपूर्ण रोचे किभली भाव उपांत अंचल जो लोक मैंने रोचे टीका पहुंचे तेज ए चैलेंज निश्चित भाव गोटे व्यापक सहयोगिता आशा कर
निहाति भाव में स्मृति लग्न जदि कहिबा एटा जेतिकी हमर टीकाकरण होई जायछि जहा केन्द्र सरकार को पाखरु जा सूचना मिलुथला एबे 50% अधिक टीकाकरण बा टीकाकरण चालिबो एवं उत्पादन मध्यम जदि उत्पादन रो हार बढ़िबो एवं टीकाकरण अधिक रो अधिक नियाजिबो एहा गोटे प्रकार हमर कोरोना प्रभाव को कमै जाय परबा हम सहित मध्य जने अछन्ति युवपीढ़ी आम तर प्रतिक्रिया ने जे कि 18 वर्ष ऊर्ध से टीका को लेकिन केमती मनरे का जो प्रधानमंत्री घोषणा करने सी कौ भाया देखुं आम तर सीधा सड़क प्रतिक्रिया ने केमती कौन देखु का जो आम टीकाकरण उपर प्रधानमंत्री एत बड़ गोटे कथ कहते कि 18 वर्ष ऊर्ध जो मैंने टीका ने आपल भाव में देखु हाँ निश्चित भाव गोटे भल पदक्षेप केवल 45 वर्ष अधिका व्यक्ति को टीका मिलूला कितु मुझे समस्त मिलवा दरकार जेहेतु एबे 18 वर्ष अधिक मिलूँ हाँ आम जानवर आम एक भल जुगानकारी पदक्षेप हाँ ऑब्वियसली मुझे नेबी जेहेतु आम गोटे प्राइवेट सेक्टर काम कर समस्त सहित मिसाइक पड़ी तो आम टीकाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एबे निहाते भाव में स्मृति लग्न जहाँ शुणुते समस्त भितर उत्साह भरी रही जो तृतीय स्टेज रे टीकाकरण आरंभ हो तृतीय प्रशिक्षण रे टीकाकरण आरंभ हो यही समय रे युवपीढ़ी मैंने आपको नहीं बहुत खुशी व्यक्त करा ने स्मृति लग्न निश्चित भाव में मलयों पाक फेर चाहिए संबलपुर प्रतिनिधि मलय जो भाव में आम आलोचना करूँ वैक्सीनेशन निश्चित भाव में लोकों आश्वस्ति आनी किंतु वैक्सीनेशन पर पॉजिट चिन्हट होतापर गोटे कथा सामना को आसी पॉजिट आप चिन्हट हो पारती कि डेथ रेट कम सहित मृत्यु को लेकिन जो आशंका रोला जीवन भितर कोरोना आसला जो भाव में भयावहता रोला से भयावहतार मात्रा कमी जा तो समस्ते वैक्सीनेशन वर्तमान आह्वान दिया जाउची ए आह्वान को समस्ते ग्रहण करबा उचित निश्चित पक्ष सुतुलना देखु जिते बेले जानते प्रथम तो 60 वर्ष परवर्त समय 40 वर्ष 45 वर्ष ऊर्ध लोक जिते टीका दिगला लोकों मन में गोटे आश्वस्ति आसी टीका पर्याय क्रमे समस्ते नए बोली कितु आज जो प्रकार गत काली जो खबर आसला जो 18 वर्ष ऊर्ध लोके टीका ने या को लेकिन पूरा समस्त मन में गोटे खुशी लहरी कहीं बर्तमान समय आप देखते जो भले एवं राज्य देश में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाँची या को लेकिन सरकार विभिन्न स्थान में लॉकडाउन शटडाउन घोषणा करफ्यू जारी करते तथापि कोरोना थमार ना धरनी किंतु वर्तमान समय जो टीकाकरण ये टीकाकरण बहुत आगे निश्चित पक्ष जो कोरोना संक्रमण वृद्धि पाँच कमई पारे बोले जहाँ आशा रोचे सीधा सल आउ जे अच्छा युवक जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध तर प्रतिक्रिया देवा पचारि बुझा जे ये जो निष्पत्ति को कम देखते क्या बोलेंगे अब देखे कल मोदी जी ने घोषणा किया कि 18 वर्ष ज़्यादा लोगों को टीका दिया जाएगा आप स्टूडेंट हो कैसे फील होगा आप टीका लेंगे वैक्सीनेट होंगे तो अच्छा ही है मतलब कोविड का सेकेंड वेव से बच पाएंगे और अभी जैसा डेटा है कि इस सेकेंड वेव में यंग ग्रुप ऑफ पीपल को भी ज़्यादा खतरा है इस वायरस से तो मतलब जितने यंगर जनरेशन भी वैक्सीनेट हो जाए उतना अच्छा है उतना कंट्रोल में आ सकता है वेव और अच्छा ही है पूरे देश के लिए अच्छा है कि कोरोना कम हो हम कोरोना से जीते युवक पीढ़ी लोग को बाहर ज़्यादा बोलते हैं ये एजेंट लोग तो घर रहते हैं हम ज़्यादा बाहर बोलते हैं तो हमको कितना सेफ्टी देगा ये टीका एक हाँ वैक्सीन सही देखुले प्रतिक्रिया रखुला जितने वर्तमान समय युवपीढ़ी मैंने वर्तमान समय बाहर बुला बुली कर तो निश्चित पक्ष टीका ने जरूरी हो पड़ी कहीं खुशी तो आनी घरे घरे टीका पहुंचे कि ये गोटे विराट चैलेंज कहीपर कारण ये जनसंख्या रही देश में उपात इलाकार पहुँचवा टीका देवा वैक्सीनेशन प्रक्रिय समस्त को सामिल करवा एक बड़ चैलेंज देखा बाकी रहा कौन प्रतिफलन सामना को आसुची वास्तविकता कौन सामना को आसुची बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना मलय भई रही थे संबलपुर अधिक सूचना दूसरे समय ची बिग ब्रेकिंग को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।